दिवाली का डबल धमाका। आज का मैच जी जिसने भी मिस किया है वो बहुत कुछ मिस कर लिया, क्योंकि आज की मैच में इंडिया की तरफ से 9-9 ने किया है बॉलिंग। केएल राहुल और सुरेश अय्यर छोड़ के सभी ने आज के मैच में बॉलिंग की है, और इंडिया की तरफ से सभी जो बैट्समैन ने भी बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। इंडिया की तरफ से जो पहले 5 बल्लेबाज है, 5 बल्लेबाजों में से 3 बल्लेबाज ने लगाया है हाफ सेंचुरी और 2 बल्लेबाज ने लगाया है 100। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो घंटे का बटन है वो दबाना मत भूलिए। आज वर्ल्ड कप 2023 का जो लीग स्टेज है, लीग स्टेज का आखिरी मैच था, और वो आखिरी मैच था नेदरलैंड वर्सेस इंडिया के बीच। और इस मैच में जो है इंडिया ने बहुत ही एक अच्छा बेहतरीन पारी खेला है। पहले इंडिया ने बैटिंग करते हुए इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा, शुभमन गिल ने और जो कोहली है विराट कोहली ने बनाया है 50 रन। यानी रोहित शर्मा ने खेला है 61 रन की एक पारी, शुभमन गिल ने खेला है 51 रन की और विराट कोहली ने खेला है 51 रन की एक पारी। और इसके साथ ही जो श्रेयस अय्यर है और केएल राहुल है वो दोनों ने लगाया है अपना सेंचुरी। श्रेयस अय्यर ने बनाया है 128 रन की एक बेहतरीन नॉट आउट पारी और केएल राहुल ने 102 रन बना के आउट होकर पेविलियन चले गए हैं। और इसके साथ ही इंडिया ने 140 रन की एक बेहतरीन जो इनिंग्स है इनिंग्स ख़त्म किया है, और वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में इंडिया का ये दूसरा सबसे हाईएस्ट स्कोर भी है। और इसके साथ ही जब इंडिया का टीम फील्डिंग करने के लिए उतरा है उसके बाद जो इंडिया है, इंडिया की तरफ से केएल राहुल और श्रेयस अय्यर को छोड़ के सभी ने आज के मैच में हाथ घुमाया है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्या कुमार यादव, शुभमन गिल सभी ने आज बॉलिंग की है। और इसके साथ ही जो विराट कोहली है, विराट कोहली ने 10 साल के बाद आज के मैच में और वो एक विकेट भी लिया है। रोहित शर्मा ने भी लास्ट में आके 5 बॉल डाल के एक विकेट ले लिया है। जो इंडिया है, इंडिया की तरफ से जो आज का मैच है, आज के मैच का जो सबसे अच्छा बॉलिंग किया है वो है जसप्रीत बुमराह। 9 ओवर डाल के एक मेडिन दे के 2 विकेट लिया है 3.7 की इकोनॉमी के साथ। और इंडिया की तरफ से जो मोहम्मद शमी है, मोहम्मद शमी को आज सबसे महंगी जो इकोनॉमी है इकोनॉमी के साथ बॉलिंग किया है। मोहम्मद शमी ने 6 ओवर डाल के 41 रन दिया है। और जो मोहम्मद शमी है आज के मैच में एक भी विकेट मोहम्मद शमी को नहीं मिला है। सूर्या कुमार यादव ने भी 2 ओवर डाला है, और जो रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा ने 5 बॉल डाल के 1 विकेट भी ले लिया है। और इसके साथ ही जो नेदरलैंड का इनिंग्स है 250 पे समाप्त हो गया, और इस मैच को इंडिया ने 160 रन से जीत के जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में लगातार अपना 9वां मैच इंडिया ने जीत लिया है। और इसके साथ ही जो है इंडिया का अगला मैच है सेमीफाइनल जो खेला जाएगा न्यूजीलैंड के साथ। और जो आज का मैच है, आज का मैच में देखा जाए जो विराट कोहली है, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जो पार्ट टाइम बॉलर है वो दोनों ने एक एक विकेट लिया है। तो इसको देखते हुए जो न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में अगर 1-2 ओवर डालना पड़े तो शायद विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा या फिर शुभमन गिल भी डाल सकते हैं। तो आज के मैच के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, और जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल के बारे में आप लोगों का क्या मानना है? जो इंडिया है, इंडिया इस बार न्यूजीलैंड को हरा पाएगा या फिर सेमीफाइनल में ही अपना जो टिकट है वो भी कटवा लेगी? तो आप लोगों को क्या लगता है, अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के जाना। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।